गाजा में हमास के साथ युद्ध की वजह से इसराइल अब चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ जहां इजरायली डिफेंस फोर्स हमास का खात्मा करने के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला इजरायली सेना के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं इजरायल से करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन का आतंकी संगठन हूती बार बार इजरायल पर हमले कर रहा है, लेकिन इन देशों के अलावा अब सीरिया और इराक में भी इजरायल के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। इराक और सीरिया के ईरान समर्थित गुट बार बार इसराइल को निशाना बना रहे हैं। इन सभी देशों के पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है। ये वही ईरान है जिसके ऊपर इसराइल हमले की पूरी स्क्रिप्ट लिखने का आरोप लगा है। यहाँ तक कि हमास से लेकर हिजबुल्ला तक ईरान के इशारों पर ही चलते हैं। और अब इसराइल के कुछ जानकारों ने एक ऐसा खुलासा किया है जो बेहद ही सनसनीखेज है। दरअसल हालिया दिनों में इराक और सीरिया के आतंकियों ने इसराइल पर हमले तेज कर दिए हैं, और इसी कड़ी में इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस संगठन ने इसराइल के ईलत शहर में इजरायली मिलिट्री बेस पर एक ड्रोन हमले का दावा किया है। इजरायली मीडिया ने भी ईलत शहर में एक अज्ञात हवाई हमले की खबर दी है। इजरायली मीडिया का कहना है कि ये हमला यमन से नहीं बल्कि इराक की तरफ से किया गया था। इससे पहले पिछले हफ्ते इराक के इस संगठन ने इसराइल के भीतर कई हमले किए थे। 31 मार्च 2024 को अल जलील के इलाबुन पर ड्रोन से हमला किया गया है, और इससे पहले 30 मार्च को इराकी रेजिस्टेंस ने दावा किया था कि उसने कब्जे वाले सीरियन गोलन हाइट्स पर ड्रोन से इजरायली सेना की चौकी पर एक हमला किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एकाएक इराक और सीरिया के इन आतंकियों के पास सीधे इसराइल पर हमला करने की ताकत कहां से आई। तो आपको बता दें कि हमास, हिजबुल्ला, हूती और इराक और सीरिया के आतंकी संगठनों को इसराइल के खिलाफ खड़ा करने के पीछे सीधे सीधे ईरान का हाथ है, और ये सभी संगठन ईरान के फायदे के लिए काम करते हैं। इराक में इन आतंकियों को सीधे सरकार और ईरान से फंडिंग मिलती है। ईरान इराक के भीतर आतंकियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि जॉर्डन और वेस्ट बैंक में हालिया दिनों में ईरान द्वारा शांति फैलाने की कोशिश करने की खबरें भी आई हैं। ईरान अलग अलग देशों में इन गुटों को इसराइल के खिलाफ एकजुट करने में लगा हुआ है, और इसराइली जानकारों का कहना है कि इसके पीछे ईरान का इसराइल के खिलाफ एक बड़ा प्लान है जिसमें वो इसराइल के खिलाफ एक संयुक्त फ्रंट बना रहा है। ईरान ने इराक और सीरिया के इन सभी गुटों को हथियारों की सप्लाई भी की है, और इन्हीं हथियारों के दम पर पिछले साल नवंबर 2023 में सीरिया के इन गुटों ने इसराइल के ईलत शहर पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया था। ईरान की इन संगठनों के साथ जुगलबंदी के कई सबूत हैं। हाल ही में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के नेता ईरान गए थे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से मुलाकात की थी, और यही वजह है कि ईरान हमास को ताकत देने के लिए हिजबुल्ला को इसराइल के उत्तरी बॉर्डर पर बार बार हमले करने के लिए प्रभावित कर रहा है, क्योंकि गाजा के भीतर हमास को झटके पे झटके लग रहे हैं। और पिछले हफ्ते ही ईरान ने रमजान के मौके पर कुछ दे के दौरान इसराइल के खिलाफ इलाके में आग भड़काने की कोशिश की थी।